5000 वर्षों से पीछे खड़ा रहा, तो उसमें क्या है ना, उसमें रीजनेबल होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं उसको हम समझ रहे हैं बात को, उसमें क्या है कि सहायता सबको मिलनी चाहिए, लेकिन जो हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें होता है कि एक उद्देश्य होता है जीवन का, तो मेरा कहना है कि हम दलित पर काम कर रहे हैं तो मेरा कहना है कि इनको अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे यदि, तो फिर ये समाज के मुद्दा से जुड़ नहीं पाएंगे कभी। इस पर कह रहे थे, बताते क्या पूछ रहे हैं। मैं रोक रहा था कि ये जो आप मतलब शुरू में लोग आपको यही कहता होगा कि जो धंधा आप शुरू किए हैं गाँव के लोग, ब्राह्मणों का या परवाड़ों का बहुत विरोध आपको झेलना पड़ा होगा। नहीं, मुझे कुछ भी झेलना नहीं पड़ा है, क्योंकि हम विरोध की बात करते हैं किसी से। आप कोई प्रश्न पूछेंगे और यदि उसका कूल माइंड से सोच समझ के आपको जवाब देंगे तो आप नाराज हम पर नहीं होंगे। आपको मुश्किल नहीं आई इस सफर में जब ये काम करना शुरू? नहीं, ऐसा है ना, सब मैंने जो विरोध हुआ उसका सिलसिला थम नहीं जाता कभी भी, है नहीं। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि अब जहाँ जाते हैं वहीं लोग स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें स्टार्ट यात्रा शुरुआत हुई थी। अब बिहार में जिसके यहाँ जाते थे, पाठक जी शौचालय की चर्चा करेंगे, जी सर चाय पी लीजिए पहले, हमसे चाय तो आती रहेगी सर, चर्चा करते हैं ना। अरे शौचालय की चर्चा करके जब चाय पियेंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा मुँह में, अब नहीं सर का टेस्ट आएगा उसमें। अरे नहीं, ये बिहार था, ये उसमें दुनिया में, बिहार के बाद छोड़ दीजिए, इंडिया के बाद छोड़ दीजिए, आप सारी दुनिया में हम पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी चर्चा की। विरोध हुआ, लेकिन विरोध फिर एक्सेप्टेंस में आ जाता है जबकि आप सफल हो जाते हैं। यदि आपने करके दिखला दिया, सब लोग मान गया। बिंदेश्वर द्विवेदी का नाम सुना होगा आपने, वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेबर मिनिस्टर कमेटी विधायक बने, तो वो जब मुख्यमंत्री बने हमारे इंस्टीट्यूट में आए, तो कि मैं जब हेल्थ मिनिस्टर था 72 में, तो पाठक जी मेरे आते थे सुबह सुबह, मैं दाही बनाता था, उसमें आके बैठ जाते थे और कहते थे कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। मैं सोचता था कि होना तो कुछ है ही नहीं, बट यंग लड़का है, इसको डिस्कस कैसे करें, तो मैं सुनता था इस कान से निकाल देता था। आज जब मैं देख रहा हूँ तब तो लगा कि कितना बड़ा काम हो गया इसमें। तो होता है क्या कि जिसमें आप नई बात किसी कह रहे हैं तो लगता है पगला है आदमी, ये क्या बोल रहा है, ये होने का है क्या? लेकिन जब हो जाता है तो स्वीकार करते हैं। तो वो जो प्रोसेस है, स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है कि रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, हाँ, जब तक तुम अचीव न कर लो लक्ष्य की प्राप्ति, जब तक न करते हो तब तक रुकना नहीं तुमको है। तो उसमें है कि कोई भी आदमी, कोई लड़का, यंग लड़का, आज का आदमी कोई काम शुरू करे तो कठिनाई तो आएगी आएगी उसको। ऐसा तो हुआ ही नहीं कि अच्छा स्टार्ट किया सफल हो गए, तो उस सब बाधाओं को तोड़ते हुए जाना है। और तब जाके गांधी को कितनी दिक्कत हुई आप देखिए। सर आपके सफर की बात करें, एक लंबा सफर है, 70 से जो शुरू किया काम, ये 48 साल हो गया, मतलब अर्ध शतक, मेरा 50 हो गया, आधी सदी हो गई, संस्था का 48 हुआ, मेरा 50 हुआ, आधी सदी हो गई। तो आधी सदी में कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात हुई है जिसकी टीस रह रह के मन में उठती रहती है, जो परेशान करती है? वो यह है कि हमने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, परिवार को समय नहीं दिया। हम बच्चे के स्कूल गए ही नहीं कभी, होता है ना लोग बच्चे स्कूल ले जाते हैं छोड़ने के लिए, उनके फंक्शन में भाग लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं बैठ करके, हाँ अब सुबह निकले और रात के 10 बजे लौट के 11 बजे जाएंगे, तो बच्चों को कब पढ़ाएंगे हम, कब उनसे बात करेंगे? तो यदि आप पूछते हैं कि एक रिग्रेट लाइफ में यदि आता है कि जब देखते हैं कि कोई पिता अपने बच्चे के साथ बात कर रहा है, माँ स्कूल ले जा रही है, पढ़ा रही है, खेलने जा रही है, लोग जाते हैं यात्रा करने, घूमने जाते हैं, मनोरंजन करने जाते हैं, तो टीस मन में आती है। लेकिन होता है क्या है कि जब आप पहाड़ पर चढ़ेंगे तो परिवार के साथ नहीं चढ़ सकते, आप अकेले चढ़ना पड़ेगा। बच्चे फक्र करते होंगे जब सुनते होंगे पिता का नाम, अब वो तो ही बताएंगे। लेकिन ये है कि जो मैंने अनुभव किया है कि परिवार यदि से आगे आपका काम है, नंबर वन का आदमी ही होता है जिसका परिवार से आगे उसका काम होता है, जो अपने काम को अपने परिवार से अधिक प्यार करता है वो चढ़ जाता है पहाड़ हिमालय की चोटी पर। दूसरा होता है जो आधा जितना परिवार को देखता है उतना काम को देखता है, वो दो नंबर का व्यक्ति होता है। और तीसरा होता है जो काम पीछे परिवार पहले,
है नहीं, तो अभी देखेंगे ज़्यादा लोग अपने बच्चे की चिंता ज़्यादा करते हैं, बच्चा हमारा कहाँ पर रहेगा, कहाँ उसका मिशन होगा, कहाँ जाएगा, कहाँ करेगा, अधिक घर में जाइए यही चर्चा मिलेगी, आपके काम का क्या हो रहा है इसकी चर्चा शायद वो कमी लोग करते हैं। तो हम लोग उस रियल लोग में हैं, तो आपने कहा टीस आपको यदि आती है मन में कहीं, तो ये निगेट जरूर हमको आता है, लेकिन एक खुशी जो यूँ होती है कि चलो विवेकानंद ने कहा कि तुम्हारे एक लड़के नहीं है तो हजारों लड़के हैं, हाँ तो हजार परिवार तुम्हारा है। सर आपकी बात सुनकर एक गाने की लाइन याद आती है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी है दिल जमाने के लिए। वो कौन सी घटना है जब आप अकेले बैठते हैं सफर को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लगता है कि मैंने अचीव कर लिया और बहुत आपको अंदर से आप आह्लादित होते हैं? उसमें है कि जब मैं स्कूल टीचर था जी और आज मैं यहाँ हूँ, ये मैं सोचता हूँ बहुत खुश होता हूँ कि एक एक शिक्षक है, एक स्कूल का शिक्षक, उसकी यात्रा हाथ चली आए जो इतने लोगों के काम आ गया, तो स्वाभाविक है खुशी होगी आपको। अच्छा एक फिल्म बनी टॉयलेट, एक प्रेम कथा, मुझे लगता है कि टॉयलेट पर कुछ भी होगा तो उसमें डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी होंगे, वो क्या कनेक्शन है और क्या आपसे इंस्पायर्ड हैं? या बैतूल में जो महिला ससुराल छोड़ के चली गई थी जी, तो शौचालय उस घर में नहीं था, वो अखबार में छपा, मैं उसके घर गया और उसको 7 लाख रुपए इनाम दिया, हाँ, और उसके जाने के बाद फिर और कई जगह महाराजगंज में ऐसा किया हमने, कई जगह किया, उसमें से एक की कहानी उन्होंने टिकअप की अक्षय कुमार ने, और उसी पर उन्हें शौचालय एक प्रेम कथा जो है वो फिल्म बनाई है। तो यहाँ भी आए थे अक्षय कुमार जी, यहाँ पर आए थे जी, जी। पूरा देखा था उन्होंने, इतनी भीड़ हो गई थी मत पूछ। अच्छा आप कविताओं की बात करते हैं कि आप कविताएं भी लिखते हैं और आपके यहाँ खुद एक आपने सुलभ साहित्य करके शुरू किया, कवियों और लेखकों को यहाँ से सम्मानित किया जाता है, तो क्या सुलभ साहित्य क्या क्या करता है? मेरा क्या कहना है कि जो कार्य है उसकी एक अवधि होती है, साहित्य शाश्वत होता है जी, तो जो साहित्य है जब तक उसमें कोई कार्य नहीं जाएगा तो वो कार्य शाश्वत नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरा कहना करना है कि जो जो कार्य किया हमने इसको अब साहित्य में जाना चाहिए। अतः जैसे अब कालिदास है, उधर शेक्सपियर है, तुलसीदास है, उधर मिल्टन है, तो वर्ड्सवर्थ है उधर, है नहीं, हमारे यहाँ जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो ये है कि ये लोग जो हैं युग पुरुष हो गए, अब अभी शेक्सपियर किताब अभी प्राय होती है नहीं, जो तुलसीदास का रामायण हम ये भी पढ़ते हैं, तो कहने मतलब क्या है कि कोई चीज़ को साहित्य में सृजन की शक्ति है जी और विध्वंस की भी है, अब साहित्य में कोई विषय नहीं जाएगा तो शाश्वत होगा नहीं, तो एक तो वो, दूसरा क्या है कि जो समाज साहित्यकारों को, लेखकों को, कवियों को, विद्वानों को सम्मान नहीं करेगा वो समाज अच्छा समाज नहीं बन सकता है। पहले वाली बात पर मेरा सवाल है कि क्या सुलभ साहित्य में आपके कामों का डॉक्यूमेंटेशन ही है या उसके इतर की चीज़ें हैं? उसमें ऐसा है ना कि इतर की चीज़ें बहुत है उसमें जी, जो हम दूसरों पर लिखते हैं ना जी, अपना तो लिखते क्या हैं, क्या लिखा है उसे, क्या क्या आया है आपने? नहीं देखा ऐसे, मेरी जो अपनी किताबें जो हैं जी, वो तो ज़्यादा सैनिटेशन पर हैं, शौचालय पर हैं, अनटचेबल्स पर है, विरोध पर है, और ये जो पानी दिखलाया आपको उस पर है, तो ये जो जितने काम हमने किए हैं करीब 32 किताबें हमारी पब्लिश हैं। अच्छा, तो वो सब उस पर है, लेकिन जैसे अब साहित्यकारों को सम्मान करना या उनकी रचनाओं को छपवाना, पब्लिश हमने बहुत से साहित्यकारों को सहायता दी है उनकी किताब छपने के लिए, ठीक है, तो उसी प्रकार से है कि हरदम हम लोग जो जितने भी लेखक कवि हैं सब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लेखक कवि जो हैं हमारे संपर्क में आते हैं, उनको मदद करते हैं, उनकी किताब छपती रहती हैं, हमारी मैगजीन छपती है सुलभ इंडिया जी, सुलभ इंडिया में जो है उसमें लोगों की जो बातें लिखते रहते हैं हम लोग, एक हम लोग आज छप रहा है सुलभ स्वच्छ भारत है, उसमें सारी स्टोरी छपती है, एक नई विधा दी है हमने कि उसमें एक लाइन भी निगेटिव नहीं छपता है,
लोगों ने कहा कि अखबार चलेगी नहीं, बिना निगेटिव लिखे हुए। हमने कहा नहीं, नई विधा हम दे रहे हैं ना, तो आप देखिए ये मैगजीन चल रही है अच्छी अच्छी। तो ये सब कार्य हम साहित्य में करते हैं। एक बार मैगजीन निकलती है चक्रवाक, पूरे साहित्यिक चीज निकलती है जी। ये आपके कामों से प्रभावित होकर अभी रेल विभाग ने आपको जिम्मेवारी दी थी, तो कैसे उसमें क्या क्या काम हुआ? अब उसमें है कि वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया हमको उन्होंने जी। अब उसमें क्या है कि हमने सफाई करवाई थी प्लेटफॉर्म की, और उसमें हम लोगों ने जो कहा है कि इसमें विज्ञापन निकाल करके और लोगों को इंस्पायर कीजिए इस काम के लिए कि कैसे इसमें आप रेल को साफ रख सकते हैं, तो ये सारे काम उसमें हो रहे हैं। चलिए सर, आपको आपके कामों के लिए पिछले साल राष्ट्रपति ने सम्मान दिया, उनके हाथों सम्मान मिला। इस साल जापान में आपको सम्मानित किया जा रहा है, और बहुत सारे सम्मान, मतलब अनगिनत सम्मान अलग अलग संस्थाओं ने दिया है। इस पूरे सफर में अभी कोई ऐसा ड्रीम, कोई सपना रह गया है, या कुछ एक अचीवमेंट है कि हमको यहाँ पहुँचना है, ये करना है, राजनीति में जाना है आपको? ऐसा सवाल पूछ दिया आपने। ऐसा है कि इस पड़ाव पर 75 वर्ष की अवस्था में नए यदि आप फील्ड में जाते हैं जिसमें कभी काम ही ना किया हो आपने, तो असफलता ही हाथ लगेगी आपको। अनुभव तो जिंदगी का बहुत है, समाज को देखना है। उसमें क्या है कि बट नेशनल लिखा है कि जितने लोग असफल हुए वो लोग वही लोग हुए जिन्होंने सोचा कि एक जगह हम सफल हो गए तो जहाँ जहाँ पैर रखेंगे हम सफल हो जाएंगे। और उसमें नाम दिया है नेपोलियन का, आपका हिटलर का, मुसोलिनी का। तो अब आज असफल कौन होता है? बहुत से फिल्म कलाकार देखा आपने जी, वो राजसभा में चले गए, वो MP बन गए, अब वो इसलिए पूछा सर, आप भी सेलिब्रिटी हैं? नहीं नहीं, मेरा क्या कहना है तो रियल हीरो हैं, वो तो पर्दे के हीरो नहीं, वो भी अच्छे आदमी है जी। हमको सबको हम अच्छा ही कहते हैं जी। मेरा क्या कहना है कि जो सक्रिय राजनीति है उसे जानने का प्रश्न उठता ही नहीं है। चलिए एक सीधा सवाल मैं पूछ लेता हूँ, अक्सर ये हमारा सेगमेंट है कि आपकी शिकायत सरकार से? नहीं, ये कुछ नहीं कह दिया आपको। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कोई शिकायत है आपकी सरकार से? और शिकायत सरकार से कैसे हो सकती है? मैंने जो काम शुरू किया जी, आज प्रधानमंत्री उसको जन आंदोलन बना दिया उन्होंने। IAS अफसर जो सेक्रेटरी है आज का परमेश्वर, वो अब शौचालय सफाई करता जा करके जी, ठीक है। तो अपने आज जो दिखा अखबार में कल परसों निकला कि 30-35 IAS अफसर को ले गया वो पखास साफ करने के लिए। तो जो हमने विचार दिया, कंसेप्ट दिया, जो आविष्कार किया हमने, उसको जब सरकार आगे बढ़ा रही है तो सरकार से शिकायत कैसे हो सकती है? अगला सवाल, आपकी शिकायत मीडिया से? नहीं, किसी से हमारी शिकायत नहीं है। पब्लिक से? किसी से हमारी शिकायत है ही नहीं, मैं तो शिकायत किसी से करते नहीं। सवाल सर, आपकी शिकायत खुद से, अपने आप से? हाँ, अपने से शिकायत इसलिए नहीं है कि पहले कह दिया आपको हमने कि जब अकेले बैठता हूँ मैं तो सोचता हूँ कि मैं कितना भाग्यवान व्यक्ति हूँ कि एक स्कूल से यात्रा शुरू करके आज हजारों नहीं लाखों लोगों को सीधा और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने का भगवान मुझे ताकत दी है, बल दिया है। और जो महिला होते थे, जो नरक में रहते थे, उनको स्वर्ग पहुंचा दिया हमने। ऐसी यात्रा किसी के नहीं इस देश में होगी। सब चीज बने गए होंगे, सब लोग बड़े पद पर रहे होंगे, हैं भी, लेकिन हमारी यात्रा ऐसी है जो आँख से लोगों के हमने हजारों के आंसू पहुँचे। अब ये जो विधवा की बात कर रहे थे आप, तो जब मिले थे सबसे, सब कहते थे हम मरना चाहते हैं। आज जाके मिलिए सबसे, कहते हम जीना चाहते हैं। 110 वर्ष की महिला है, बोलती है हम कुछ दिन और जीना चाहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने के आंसू पोंछे हमने और जिसके होठों पर मुस्कान ला दी है हमने, ऐसा भाग्यवान आदमी जो भगवान बना है उसको हमको शिकायत कैसे कर सकते हैं किसी से? आप ईश्वर की ताकत इतने दिया आपको, जिंदगी से इतने संतुष्ट हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सर, भगवान ने आपको एक और ताकत दी है कि आप सिर्फ काम नहीं करते हैं, अपनी भावनाओं को लिपिबद्ध भी करते हैं, लिखते हैं और कविताओं में भी लिखते हैं। तो मैं चाहूँगा अपनी कोई एक प्रतिनिधि कविता की कुछ पंक्तियाँ सुना दीजिए। तो वो भी हमने जो कविता सुनाई थी वो हमारी गीत है जी, वो भोजपुरी में है, बनाई थी हमने जी।
क्योंकि ज्यादातर मैं रोमांटिक गीत लिखता हूँ और कुछ तो प्रधानमंत्री पे लिखा है। ये बताइए कि जो आपने कभी रोमांस किया था उसी को कन्वर्ट करते हैं कविताओं में या ऐसे सोच सोच के आर्टिफिशियल लिखते हैं रोमांटिक कविता? नहीं, ऐसा है ना कि हम लोग जहाँ पढ़ते, जब कॉलेज की बात पूछ रहे थे आपसे जी, तो होता है क्या है ना कि एक होता है प्रत्यक्ष आप प्यार करते हैं जी, एक है अप्रत्यक्ष करते हैं जी। तो यंग जब रहते हैं आप तो कल्पना तो करते रहते हैं, आपको मुलाकात न मुलाकात हो, आप बात हो न बात हो, तो ये है कि कल्पना तो आती रहती है। एक तरफा प्यार किया है मतलब एक तरफा प्यार किया हमने, मान लीजिए किसी को चाह रहे हो आप जी, आपसे मुलाकात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं कर रहे हैं, पैसा पॉकेट में है ही नहीं है, प्यार करेंगे तो सवाल उठता है ऐसे प्यार से क्या होगा। लेकिन ये है कि हाँ, चूंकि रोमांस नेचर में होता है जी, ठीक है ना, कुछ लोग भी रस लिखते हैं। अब इनके गैप ताली अटल जी पर, अटल जी को मैंने दिया ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। जब प्रधानमंत्री बन गए तब पुरस्कार देने का हुआ, जब लेने आया पुरस्कार तो हम बगल में बैठे थे, कहा पाठक जी सारी एजेंसियों ने मना किया हमको पुरस्कार लेने से, कहा कि गैर सरकारी संस्था का पुरस्कार एक प्रधानमंत्री कैसे लेगा। तो मैंने कहा कि देखिए, जब पुरस्कार अनाउंस हुआ था उसमें विरोधी दल का नेता था, मैं प्रधानमंत्री नहीं था, उससे पुरस्कार मैंने स्वीकार कर लिया था। अब आज मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ तो इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो हमने कविता बनाई उन पर जी, अटल तुम तो अटल हो ऐसे कैसे कि टल जाए, अटल तुम तो अटल हो ऐसे कैसे कि टल जाए, तुम सुबह हो तुम शाम नहीं, तुम सुबह हो तुम शाम नहीं कि पलकों में वह ढल जाए, तुम सुबह हो तुम शाम नहीं कि पलकों में वह ढल जाए, अटल तुम तो अटल हो ऐसे कैसे कि टल जाए। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इतनी बेबाकी से, इतना खुलकर, इतना मुस्कुराकर आपने अपने जीवन सफर को हमारे साथ साझा किया, अपने धन्यवाद पर बातचीत की, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आज हमारे मेहमान एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो बहुत ही सरल, सहज और सरस हैं, और जो अपने बारे में कम सोचते हैं, लगभग सोच ही नहीं पाए, और दुनिया के लिए सोचते सोचते लिखा भी तो उन्हीं को लिखा, और आने वाला वक्त इनको इसलिए याद करेगा क्योंकि सुलभ शौचालय तो एक बहाना है, उसके आड़ में उन्होंने उस तबके को जो बहुत दबे कुचले थे, बहुत पीछे थे, उसको बराबरी में खड़ा किया, उसको जीना सिखाया और उसको सर ऊंचा करना सिखाया। अगले एपिसोड में हम किसी और मेहमान, किसी और फनकार के साथ होंगे, तब तक अपने दोस्त मनोज भावुक को दे विदा, नमस्कार। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप कौन से ऐसे दिग्गज हस्तियां हैं जिनका इंटरव्यू आप देखना चाहते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द बायोस्कोप, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्रेस करें द बेल आइकन, ताकि आपको मिल सके द बायोस्कोप की वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले।